हमारे गिवअवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और गिज्मो इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस और गिवअवे की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। LG ने लगभग एक साल पहले इंडिया में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसका नाम है LG G8x। ये स्मार्टफोन जब इंडिया में लॉन्च हुआ था तब इसकी प्राइस थी 49,999 रुपीस, और ये प्राइस सही भी थी क्योंकि एक LG की तरफ से फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जिसमें सारे फ्लैगशिप फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। और इस फोन की सबसे खास बात यह है कि स्मार्टफोन आता है एक एडिशनल डिस्प्ले के साथ। GST हाइक की वजह से ये स्मार्टफोन की प्राइस भी बढ़ चुकी है। फिलहाल ये स्मार्टफोन इंडिया में अवेलेबल है 54,990 रुपीस में, लेकिन ये स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं सिर्फ 19,990 रुपीस में। तो अब सवाल यह है कि यह स्मार्टफोन आपको 2020 में लेना चाहिए? क्या यह स्मार्टफोन 20,000 के प्राइस रेंज में लेना सही होगा? क्या यह स्मार्टफोन 2020 में भी उतना ही पावरफुल है जितना यह 2019 में था? और कहां से आप खरीद सकते हैं स्मार्टफोन अंडर 20,000 रुपीस में? तो ये वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि यह स्मार्टफोन 2020 के स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है या नहीं। LG G8x ThinQ आता है 6.4 इंच फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले के साथ जो कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्टेड है। और इतना ही नहीं, यह स्मार्टफोन आता है एक एडिशनल डिस्प्ले के साथ जो सेम रेजोल्यूशन और सेम क्वालिटी का है। तो 2020 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है और आने वाले सालों में भी ये उतना ही इफेक्टिव रहेगा जितना ये 2019 में था। LG G8x ThinQ आता है 4000 mAh बैटरी के साथ जो 21 वॉट फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। और इतना ही नहीं, ये रिवर्स फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है और 9 वॉट वायरलेस फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करता है। तो 2020 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये स्मार्टफोन का बैटरी और चार्जर बहुत ही पावरफुल है। LG G8x ThinQ चलता है स्नैपड्रैगन के लास्ट ईयर के फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855 पर, जो आता है 6GB रैम विद 128GB इंटरनल स्टोरेज। आपको 20,000 के प्राइस रेंज में स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर तो कभी देखने नहीं मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन 20,000 के प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और ये स्मार्टफोन का जो प्रोसेसर है ये अगले 2 से 3 साल तक भी बहुत पावरफुल रहेगा। अगर आप 2020 में कोई स्मार्टफोन खरीदते हैं 20,000 के प्राइस रेंज में तो इससे ज्यादा पावरफुल स्मार्टफोन आपको नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं इस फोन के कैमरा की। LG G8x ThinQ आता है डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ जिसमें शामिल है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर। और सेल्फी के लिए स्मार्टफोन में दिया गया है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। 2020 के स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ये स्मार्टफोन का रियर कैमरा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है क्योंकि आजकल हमें जितने भी स्मार्टफोन्स देखने मिलते हैं वो सारे स्मार्टफोन्स आते हैं 64 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ और ये स्मार्टफोन में दिया गया है 12 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। तो रियर कैमरा डिपार्टमेंट में थोड़ा ये कमजोर पड़ जाता है, लेकिन जो इसका सेल्फी कैमरा है वो अभी भी बहुत पावरफुल है क्योंकि ये स्मार्टफोन आता है 32 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ। सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में स्मार्टफोन उतना ही पावरफुल है जितना के बाकी स्मार्टफोन्स है 2020 में क्योंकि स्मार्टफोन चलता है एंड्रॉइड 10 पर। चलिए बात करते हैं इस फोन के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। इस स्मार्टफोन में आपको लगभग सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने मिल जाते हैं जैसे USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm ऑडियो पोर्ट, डुअल 4G का सपोर्ट, वाईफाई और बाकी सारे चीजें। और ये स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है क्योंकि ये स्मार्टफोन आता है ग्लास मेटल सैंडविच डिजाइन के साथ, जिसका मतलब ये स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक में आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने मिलती है और बीच में आपको देखने मिलता है एल्यूमिनियम बॉडी। ये स्मार्टफोन के बैक में जो ग्लास यूज किया गया है वो है कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 और ये स्मार्टफोन IP68 रेटिंग के साथ आता है। और इतना ही नहीं, स्मार्टफोन मिलिट्री स्टैंडर्ड 810G सर्टिफिकेशन के साथ आता है जो स्मार्टफोन को बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बना देता है। हमने LG G8x ThinQ को 2020 के स्टैंडर्ड्स के सबसे 6 डिपार्टमेंट में चेक किया जिसमें शामिल है डिस्प्ले, बैटरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैमरा और डिजाइन बिल्ड क्वालिटी, जिसमें से ये रेयर कैमरा को छोड़कर बाकी सारे डिपार्टमेंट में अभी भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आप ये स्मार्टफोन विदाउट डाउट 2020 में भी खरीद सकते हैं। ये तो हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल ये है कि ये स्मार्टफोन 20,000 के प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए? बिल्कुल, आपको ये स्मार्टफोन 20,000 के प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 20,000 के आसपास है तो आपके पास क्या ऑप्शन है? रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, रियलमी 7 प्रो, पोको X3, पोको X2 या फिर सैमसंग के कोई मिड रेंज के स्मार्टफोन। लेकिन 20,000 के प्राइस रेंज में ये उन सारे स्मार्टफोन्स को बड़े ही आसानी से बीट कर सकता है क्योंकि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन की सबसे खास बात यह है कि स्मार्टफोन आता है एडिशनल डिस्प्ले के साथ। तो अगर आप 20,000 के प्राइस रेंज में कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए। अब आखिरी सवाल ये है कि ये स्मार्टफोन आप 20,000 के प्राइस रेंज में कहां खरीद सकते हैं? फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे सेल स्टार्ट होने वाला है 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, जहां ये स्मार्टफोन अवेलेबल होने वाला है 19,990 रुपीस में। वहां जाके आप ये स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। वैसे ये स्मार्टफोन की करंट प्राइस है इंडिया में 54,990 रुपीस। अगर आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं और आपका बजट 20,000 के आसपास है तो ये स्मार्टफोन आपको बिल्कुल खरीदना चाहिए क्योंकि ये स्मार्टफोन फ्लैगशिप स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन एक यूनिक स्मार्टफोन है जो एडिशनल डिस्प्ले के साथ आता है और ये स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। तो यही था LG G8x ThinQ 20,000 के प्राइस रेंज में। आपको ये फोन कैसा लगा और आप इस फोन के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप ये स्मार्टफोन खरीदना चाहेंगे 20,000 के प्राइस रेंज में, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।